गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आप जानते हैं कि हार्ट अटैक और हार्ट बर्न, इसका मतलब है कि हार्ट अटैक और सीने में जलन, ये कभी कभी बहुत कंफ्यूज करती हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आप अल्कोहल यूज़ करते हैं, आप टोबैको यूज़ करते हैं, आप मोटे हैं, तो आप जानते हैं कि दोनों का ही रिस्क ज़्यादा है, तो ये कभी कभी बहुत कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं। आज हम इस कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नाउ देखिए कि हार्ट अटैक क्यों होता है। जब भी हार्ट को सप्लाई करने वाली जो कोरोनरी आर्टरी है, अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो आपको हार्ट अटैक आता है। अगर ये कोरोनरी जो आर्टरी है जो हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड, अगर ये नैरो हो जाती है तो आपको एंजाइना आता है। तो जो हार्ट अटैक है और जो एंजाइना है, ये वास्तव में कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक या कोरोनरी आर्टरी के नैरो हो जाने के कारण है। जहां तक हार्ट बर्न का सवाल है, ये खाने की थैली से जो एसिड है, इस वाल्व के लूज हो जाने के कारण, खाने की नली में आने के कारण होता है। खाने की नली में एसिड आ जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड हार्ट बर्न क्रिएट करता है इन द मिडल ऑफ द नाइट, तो आपको प्रॉब्लम लगती है। नाउ प्रॉब्लम जो दोनों बीमारियों में है वो इस तरह की है कि दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो कभी कभी बहुत सिमिलर हैं। दोनों के सिम्टम्स मिडिल ऑफ द नाइट में आ सकते हैं, दोनों के सिम्टम ओबेसिटी के साथ में है, दोनों के सिम्टम अल्कोहल के साथ में है, दोनों के सिम्टम स्मोकर्स या टोबैको यूजर्स में है। एंड एट टाइम्स पेशेंट्स को डिफ्रेंशिएट करना कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है कि ये सीने में जलन एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बहुत बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। विज्ञान ऐसा मानते हैं कि ऑलमोस्ट 1/3 पेशेंट्स जो मिडिल ऑफ द नाइट किसी भी हार्ट के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं वो वास्तव में एसिडिटी या गैस्ट्रिक ट्रबल के पेशेंट्स होते हैं। तो अगर आपको मिडिल ऑफ द नाइट में ये प्रॉब्लम है एंड इट इज नॉट रिजॉल्विंग, तो आपको मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत है। नाउ व्हाट इज हार्ट अटैक एक्चुअली? यू सी, जो हार्ट है, हार्ट बेसिकली इज ए मसल जिसका काम है कि पंप करें। इस मसल को सप्लाई करने के लिए दो ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ये खून की सप्लाई करती हैं ताकि हमारे हार्ट की मसल को ऑक्सीजन मिले, एनर्जी मिले एंड वो प्रॉपर काम करे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है वो नैरो हो जाती है एंड इवेंचुअली ब्लॉक हो जाती है। अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होगी तो आपको हार्ट का अटैक आ जाएगा। आपको अटैक आ जाएगा तो कभी इतना भी अटैक आ सकता है कि हार्ट बंद हो जाए, जिसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अगर ये जो कोरोनरी आर्टरी वो पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हुई है या हुई भी है एंड अल्टरनेट ब्लड सप्लाई थोड़ी सी है, तो आपको अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है। इसमें कभी कभी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी हो जाता है। तो अनस्टेबल एंजाइना एंड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को भी जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो कभी कभी हार्ट अटैक की श्रेणी में मानते हैं। तो बेसिकली जो भी प्रॉब्लम होगी वो कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक हो जाने के कारण होगी। नाउ अगर हम सिम्टोमेटोलॉजी को ध्यान से देखें तो उनको समझने की जरूरत है। नंबर 1, आपको चेस्ट पेन होगा। जो चेस्ट पेन होगा उसमें प्रेशर की फीलिंग होगी, आपको स्क्वीजिंग की फीलिंग होगी, आपको हैवीनेस की फीलिंग होगी, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कोई चीज ऐसा टाइट कर रही है, एक फुलनेस से बनी हुई है। कुछ पेशेंट्स का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा लगता है कि चेस्ट वॉल और हार्ट के बीच में बहुत सारा वजन आ गया है जो ऐसा प्रेशर दिए जा रहा है। और जो दर्द है वो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये कंटिन्यूअस चलता रहे, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये आएगा चला जाएगा, बट यूजुअली ये 1-2-3 मिनट से ज्यादा रहेगा। अगर ये जो पेन है थोड़ा सा समय रहता है एंड आपको परेशानी ज्यादा होती है तो आपको वॉच करने की जरूरत है कि ये कहीं कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन जहां तक इस पेन का सवाल है या हार्ट अटैक का सवाल है, देयर आर सर्टेन इश्यूज व्हिच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। सभी जो हार्ट अटैक्स हैं उनमें सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते। नंबर 1, जो सिम्टम्स हैं कभी थोड़े हो सकते हैं, कभी बहुत सीवियर हो सकते हैं। साइंस ऐसा मानते हैं कि देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जिसमें आपको हार्ट अटैक हो गया या हो जाए, और हो सकता है कोई सिम्टम ना ही आए, बिल्कुल भी ना आए। एंड जो दर्द होता है वो यूजुअली तो यहां होता है, बट इट कैन रेडिएट अप टू द नेक, इट कैन रेडिएट अप टू जीजा, इट कैन रेडिएट ऑन द लेफ्ट अपर आर्म। कभी कभी दाईं तरफ भी आपका ये जो दर्द है वो फैल जाता है, आपको दर्द पीछे की तरफ भी जा सकता है। तो सिम्टम्स जहां तक सवाल है हार्ट अटैक के वो बहुत वेरिएट कर सकते हैं, तो इस वेरिएशन को भी समझने की जरूरत है। फिर अगर आपको हार्ट अटैक हुआ तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कुछ ना कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स जरूर आएंगे। एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होंगे कि आपको ना पसीना आएगा बहुत ठंडा, नंबर 1। नंबर 2, आपको सांस फूलेगी। नंबर 3, हो सकता है कि आपको जी मिचलाए और उल्टी हो जाए। आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत थकान हो रही है, लॉस ऑफ एनर्जी है, बहुत टायर्डनेस आपको फील होगी। एंड कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको चक्कर आने लगे या लाइटनेस या डिजीनेस फीलिंग होने लगे। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि इन डायबिटिक्स एंड इन एल्डरली पीपल आप हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक हो और इनमें से आपको कोई सिम्टम ना आए, सिर्फ एक ही सिम्टम है, वो है सांस का फूलना। तो अगर आप एल्डरली हैं, डायबिटिक हैं और अचानक से सांस फूलना चालू हुई तो आपको हार्ट के बारे में बहुत सशंकित होने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एंजाइना। जो एंजाइना का दर्द है वो वास्तव में ऑलमोस्ट हार्ट अटैक जैसा होता है। एंजाइना का पेन इसलिए आता है क्योंकि कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है, तो इसलिए जो खून की सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये बात सही है कि जिन लोगों को एंजाइना बार बार हो रहा है उनके ऊपर हार्ट अटैक होने का रिस्क हमेशा बढ़ा रहता है। जो एंजाइना है वो हमेशा दो तरह का होता है, वन इज द स्टेबल एंजाइना एंड अनदर इज द अनस्टेबल एंजाइना। जो स्टेबल एंजाइना है उसमें वास्तव में आप चलते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल आप 50 कदम चलते हैं, आपको सीने में दर्द आता है, आप बैठ जाते हैं, आपका दर्द खत्म हो जाता है, आप फिर 50 कदम चलते हैं, आपको फिर दर्द आता है, आप बैठ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि स्टेबल एंजाइना है एंड एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्सरसाइज पर यह दर्द आता है और आप जैसे ही रेस्ट लेते हैं ये डिसअपियर हो जाता है। दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना, जो कभी भी आ जाता है, चलने से भी आएगा, बैठने से भी आएगा, 10 कदम चलने से भी आएगा, 100 कदम चलने से भी आएगा। तो दिस इज बेसिकली अनस्टेबल एंजाइना। सही बात यह है कि जो अनस्टेबल एंजाइना है वो आपको हार्ट अटैक लाने की ज्यादा एक कोशिश करता है या ज्यादा शक पैदा करता है, तो अनस्टेबल एंजाइना को समझने की जरूरत है। नाउ ये तो है हार्ट अटैक के बारे में। नाउ लुक एट हार्ट बर्न। जहां तक हार्ट बर्न का सवाल है, ये बेसिकली एक सिम्टम है। हार्ट बर्न को साइंस बीमारी नहीं मानती। साइंस ऐसा मानती है कि खाने की थैली में जो एसिड है, अगर आपका वाल्व लूज हुआ तो ये जो एसिड है खाने के साथ आपकी खाने की नली में आ जाता है। ये जो खाने की नली में आएगा तो यहां तक आएगा, सीने में आ जाएगा, कभी कभी आपके गले के पीछे तक आ जाएगा और चूंकि जो नहीं ऊपर तक आता है तो इसके सिम्टम्स यहां सेंटर्ड होते हैं, इसलिए कई बार ये हार्ट अटैक से कंफ्यूज होता है। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि हार्ट बर्न एंड हार्ट अटैक ये दूर एकदम अलग अलग चीजें हैं एंड हार्ट बर्न का हार्ट से कोई लेना देना नहीं है, इट्स जस्ट अ मिसनोमर। तो यहां आपको जो ना सीने में जलन होगी। जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन एक्चुअली आता है दर्द के कारण। अब क्वेश्चन ये है कि हार्ट बर्न में दर्द कहां से आता है। जो हार्ट बर्न है इसमें खाने की जो थैली है, खाने की थैली से एसिड चढ़ता है, वाल्व से होता हुआ खाने की नली में आता है। जो एसिड आता है वो हमारी खाने की जो नली है इसकी सतह को डैमेज करता है, इसमें रेडनेस करेगा, हल्के फुल्के छाले करेगा और जो खाने की नली की जो नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, इनको सुपरफिशियली डैमेज करेगा। ये जो नसें जब डैमेज हो जाती हैं तो जब भी एसिड उनके कांटेक्ट में आता है तो आपको दर्द होता है। इन ये जो दर्द होता है ये वास्तव में हार्ट अटैक से कंफ्यूज होता है, दैट इज द होल प्रॉब्लम। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि क्या सिम्टम्स आएंगे हार्ट बर्न के चलते, तो वास्तव में जो एसिड खाने की नली में आएगा तो आपको जलन पैदा होगी, जो यहां से होगी वो गले तक आ जाएगी। ये इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको गले के पीछे तक पानी जैसा या खट्टा पानी आ जाए। इसके साथ आपका जी मिचला सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, इसके साथ आपका पेट फूल सकता है, आपको बहुत सारी डकारें आ सकती हैं एंड आपको कंटिन्यूअसली ये फीलिंग होगी कि आपको गैस बन रही है जो बार बार ऊपर की तरफ से निकल रही है। नो देयर आर सर्टेन इश्यूज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट कि अगर हार्ट अटैक है एंड हार्ट बर्न है उन्हें हम कैसे डिफरेंशिएट करें। नाउ सी हार्ट बर्न जो है यूजुअली खाने के बाद होता है एंड यूजुअली लाइंग डाउन पोस्चर में होता है। जो हार्ट अटैक है वो आपको कभी भी हो सकता है, वो खाने के बाद भी हो सकता है, यूजुअली भरे पेट पे ज्यादा होता है। नाउ अगर आप एंटासिड लेते हैं, आप डाइजिन ले लेते हैं, जेलुसिन ले लेते हैं, कुछ तरह की चीज ले लेते हैं तो हार्ट बर्न में फर्क पड़ता है। लेकिन जहां तक हार्ट अटैक का सवाल है, आप कितना ही एंटासिड पी लें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2, एसोसिएटेड जो सिम्टोमेटोलॉजी है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब भी आपको हार्ट अटैक होगा तो चेस्ट पेन के अलावा एसोसिएटेड सिम्टम्स काफी ज्यादा आएंगे और जबकि अगर हार्ट बर्न है आपको तो एसोसिएटेड जो सिम्टम्स हैं वो मिनिमल होते हैं या बहुत कम होते हैं। नाउ जब भी आपको हार्ट बर्न होगा तो उसके साथ में आपको जलन पड़ेगी, डकारें आएंगी, आपको ब्लोटिंग की फीलिंग होगी, नौशिया होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी। लेकिन इस तरह के कोई सिम्टम्स हार्ट अटैक के साथ नहीं आएंगे। बट हार्ट अटैक के साथ जो चीज आएगी वो है एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सिकनेस। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बीमार हूं, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत थका हुआ हूं, बहुत कमजोरी महसूस होगी। जो हार्ट बर्न है इसके साथ कभी कभी एसिड इतना तेज आता है कि नाक में से निकल सकता है, ऐसा हार्ट अटैक में कभी कुछ नहीं होगा। बट आपका जो हार्ट अटैक है उसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स आएंगे, चाहे वो सांस फूलने की समस्या आए, चाहे आपको टायर्डनेस हो, चाहे आपको पसीना छूट जाए, चाहे यहाँ का दर्द यहाँ चला जाए, ये सब हो सकते हैं। लेकिन आपको न तो जो है इस तरह का एसिड ऊपर आएगा और न आपको कभी नीजल रिगर्जिटेशन होगा। नो, जब भी आपको एसिडिटी होती है, हार्ट बर्न होती है, गैस होती है, तो आप हमेशा मार्क करेंगे कि आप वॉक करना चालू करेंगे, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो कम होने लगेंगे, आपको बेटर लगने लगेगा। बट इफ यू हैव हार्ट अटैक, आप वॉक करेंगे, आप टहलने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत थकान लगेगी और आपके सिम्टम्स बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि अगर मूवमेंट से आपके सिम्टम बढ़ रहे हैं तो ये हार्ट की तरफ संकेत देता है, और मूवमेंट से अगर आपको हेल्प मिल रही है तो ये गैस, डिस्पेप्सिया और हार्ट बर्न की तरफ संकेत देता है। इसको डिफरेंशिएट करके समझने की जरूरत है। इन सब के बावजूद आपको किन्हीं सिचुएशंस में अपने डॉक्टर्स को तुरंत कॉल करके मदद लेने की जरूरत है। अगर चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट लंबे समय तक चल रहा है, अगर ये जो चेस्ट पेन डिस्कम्फर्ट यहां से दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी जा रहा है, अगर इसके साथ में आपकी सांस फूल रही है, अगर इसके साथ आपको पसीना आ रहा है, आपको हल्का सा डिजीनेस की फीलिंग आ रही है, अगर आपको ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो सब सिम्टम्स हैं वास्तव में हार्ट अटैक की श्रेणी में जाते हैं। आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि फीमेल्स में ऐसा देखा गया है कि अगर हार्ट अटैक होगा तो जबड़े में दर्द, जी मिचलाना, वॉमिटिंग, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। चेस्ट पेन उतना प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं है, वाइल इन मेल्स जो चेस्ट पेन है दैट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम या मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन फीमेल्स और मेल्स में आ जाता है, बट इसको ध्यान देने की जरूरत है। बट ऐसा नहीं है कि हार्ट बर्न एकदम से बिनाइन कंडीशन है और इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर ये सिम्टम आपको बार बार आ रहा है एंड परसिस्ट कर रहा है। नंबर 2, अगर आपको लगता है खाना यहाँ पर चिपका चिपका महसूस होता है, अगर आपको लगता है कि हार्ट बर्न के साथ धीरे धीरे आपका वजन कम हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आप जो खाना खाते हैं वो यहाँ पर अटकता है या खाना निगलने में आपको दर्द होता है, अगर आपको लगता है कि ऊपर की तरफ जलन तो पड़ती है लेकिन लगातार मुझे खांसी बनी हुई है, और अनएक्सप्लेन्ड अगर आपको एनीमिया परसिस्ट करता है, तो ये कुछ वार्निंग साइंस हैं, अलार्म सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये जो हार्ट बर्न है ये सामान्य नहीं है, आपके खाने की नली में कुछ प्रॉब्लम या मेजर प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। इफ दीज आर दी सिम्टोमेटोलॉजी तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो वास्तव में अगर हम ध्यान से देखें तो हार्ट अटैक और हार्ट बर्न ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हार्ट बर्न का हार्ट से कोई लेना देना नहीं है, इट्स ए मिसनॉमर। दोनों के सिम्टम्स मिडिल ऑफ द नाइट में आ सकते हैं, दोनों के सिम्टम्स हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, टोबैको, अल्कोहल, इनसे रिलेटेड हैं। जो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं उनको समझने की जरूरत है कि जितनी भी हार्ट बर्न है उसमें प्रॉब्लम बिल्कुल सेंटर्ड है जो यहां से यहां तक आएगी। इन द हार्ट अटैक द सेंटर जो ना पॉसिबली वुड बी द हेयर, बट द एसोसिएटेड सिम्टम्स आर द वन जो डिफरेंशिएट करते हैं। उनको ध्यान से देखिए कि पसीना तो नहीं छूट रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी धड़कन तेज हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि सांस फूल रही है, ऐसा तो नहीं है कि आपका एक्सट्रीम टायर्डनेस है और ये जो पेन है आपके हाथ में, जाब में या पीछे की तरफ रेडिएट हो रहा है। अगर इस तरह की कोई चीजें हैं तो आपको समझ के, सोच के अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। यू नीड टू कंसल्ट अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड यू नीड टू कंसल्ट अ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट सो दैट द थिंग कैन बी सॉर्टेड आउट कि ये खाने की नली की प्रॉब्लम है या ये हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर आप समझते हैं कि ये जो वीडियो है इन दोनों बीमारियों को समझने में आपको मदद करता है तो इस लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।